बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर बांटी राहत। श्री बजरंग जन कल्याण एवं आध्यात्मिक समिति नरसिंह आश्रम बूंदी द्वारा बांटी गई राहत। चंबल और कालची नदी में आई बाढ़ से कई परिवार हो गए थे तबाह, ऐसे में पहुंचाई गई मदद। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में श्री बजरंग जन कल्याण एवं आध्यात्मिक समिति नरसिंह आश्रम बूंदी द्वारा चंबल और कालची नदी में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित परिवारों को यहाँ गाँव गाँव जाकर राहत सामग्री का वितरण किया गया। दिगोद तहसील के गाँव मोहम्मदपुरा सांगेड़ी पिपलदा समेल में पीड़ित लोगों को राशन सामग्री वितरित की गई। गांव का बर्बादी का मंजूर देकर सभी की आंखें नम हो गई। इस मौके पर समिति के प्रमुख सदस्य भरत शर्मा बूंदी, पूर्व प्रदेश सचिव व पीसीसी सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, समिति के सचिव एवं कांग्रेस देहात महासचिव दिलीप शर्मा सुल्तानपुर, मनोज झाला गौरव शर्मा मदनपुरा सरपंच मूलचंद गुजर, कोटा दीप सिंह डायरेक्टर हेमंत शर्मा, सत्तू कोठारी मदनपुरा अध्यक्ष लेखराज मीणा, रामतार गुजर कालू गुजर समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर समिति का गठन यहाँ श्री श्री 1008 महंत परमहंस बजरंग दास जी महाराज लाल लंगोट वाले बाबा द्वारा किया गया था। तब से ही उनके मार्ग का यहाँ अनुसरण किया जा रहा है और लगातार राहत कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। इसी के तहत लाल लंगोट वाले बाबा की प्रेरणा से यहाँ समिति द्वारा नियमित रूप से जनकल्याण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। यहाँ समिति के दिलीप शर्मा सुल्तानपुर ने बताया कि लगातार गांव-गांव जाकर राहत बांटी जा रही है। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया गया, इससे थोड़ा ही सुकून मिला। उन्होंने बताया कि हर आगे भी हर प्रकार की मदद यहां समिति द्वारा की जाएगी। आज बजरंग अध्यात्मिक एवं जन कल्याण समिति बाण गंगा नरसिंह आश्रम बूंदी लाल लंगोट वाले बाबा बूंदी में जो प्रसिद्ध नाम उनके आश्रम के तत्वाधान में कोटा जिले में काली सिंध एवं चंबल नदी की आई बाढ़ विभीषिका में प्रभावित गांवों में हम आए हैं और पिपलदा समेल सांगाहेड़ी और मोहम्मदपुरा जो गांव कोटा दीप सिंह और मदनपुरा पंचायत में पड़ते हैं, इनमें समिति की ओर से छोटी सी तुच्छ भेंट कुछ राशन किट लाए गए हैं जो लोगों में वितरण करवाए गए हैं और आगे भी समिति इसी तरह से सभी लोगों की भलाई के लिए काम करती रहेगी, सभी लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद।